आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गाय के दूध में, बी भैंस के दूध में, सी भेड़ के दूध में, डी ऊंट के दूध में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी भेड़ के दूध में। आपका दूसरा सवाल है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है? आपका ऑप्शन है ए आम की, बी केले की, सी नीम की, डी लाल चंदन की। इस प्रश्न का सही जवाब है डी लाल चंदन की। आपका तीसरा सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी पंजाब में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी तमिलनाडु में। आपका चौथा सवाल है, विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस है ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी रूस, डी कनाडा। आपका सही जवाब है डी कनाडा। आपका पांचवा सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। और रोजाना ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। छठा सवाल है, कोयला किस चट्टान में मिलता है? ऑप्शन है ए अबशादी चट्टान, बी विशाल चट्टान, सी आग्नेय चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए अबशादी चट्टान। आपका अगला सवाल है जो बहुत ही आसान भी है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिका महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब है बी प्रशांत महासागर। आपका आठवां सवाल है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में पहुंचती है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है सी केरल। आपका नवा सवाल है किस देश में मोटापा बढ़ाना गैर कानूनी माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जापान देश में, बी फ्रांस देश में, सी भारत देश में, डी पाकिस्तान देश में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जापान देश में। आपका दसवां सवाल है, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी केरल, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है सी केरल। दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए। आपका 11वां सवाल है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी ओजोन मंडल, डी समताप मंडल। आपका सही जवाब है डी समताप मंडल। आपका अगला सवाल है, रेड इंडियन कहाँ के मुख्य जनजाति हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्रेट ब्रिटेन, बी फिनलैंड, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। आपका सही जवाब है सी उत्तरी अमेरिका। आपका 13वां सवाल है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी बिहार, सी गुजरात, डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गुजरात। आपका 14वां सवाल है, कौन सा फूल 36 साल पर एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए नीलकंठ, बी कंदमूल, सी नागपुष्प, डी गुलाब। इस प्रश्न का सही जवाब है सी नागपुष्प। आपका अगला सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करनी है, लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी मथुरा।
इसका सही जवाब कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और रोज़ाना ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के इसमें से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।